Dear students, now in this lecture I am going to talk about the sequence in metric space. मीट्रिक स्पेस में सीक्वेंस को कैसे स्टडी करते हैं. आपने रियल लाइन में सीक्वेंस को पढ़ा है. अगर हम रियल लाइन में डिफाइन करते हैं तो रियल लाइन में सीक्वेंस क्या होता है. सीक्वेंस होता है इट इज ए मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू सम रियल नंबर. ये एक मैपिंग होता है नेचुरल नंबर से लेकर के रियल नंबर में अगर आप मैपिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सीक्वेंस ऑफ दीज नंबर, सपोज सीक्वेंस ऑफ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह का ये है. इसको हम कर्ली ब्रेसेस में भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1, 2, 3. ठीक है, तो इस केस में अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो इसमें आप देखिएगा ये मैपिंग कहां से है. नेचुरल नंबर से रियल नंबर में मैपिंग है. अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर को आप कैसे डिफाइन करते हैं. नेचुरल नंबर को आप डिफाइन करते हैं सेट ऑफ नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो यहां पर कितने नंबर्स होते हैं आपके, इनफाइनाइट नंबर होते हैं. यू हैव इनफाइनाइट नंबर्स इन दिस सेट. तो सीक्वेंस में जो पॉइंट्स मिलेंगे वो कितने पॉइंट्स मिलेंगे आपको, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी सीक्वेंस आएगा उसमें भी आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है. तो एक तो ये ध्यान रखिएगा सीक्वेंस में आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की मैं बात यहां पर कर रहा हूं. अब इट इज ए मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर. इसको अगर आप इस तरह से भी आपने पढ़ा था, ए से डिफाइन किया था, ए इज ए मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर. Sometimes you can say that x is a sequence from natural number to or natural number to some real number. इसको आप denote करते थे इस तरह से an, या इसको आप denote करते थे xn से. ये different different notations थे. तो ये सारा आपने real number में sequence में study किया था. और आप इस तरह से भी एक example मैं ले रहा हूं. Suppose xn is the 1/n, इस तरह से डिफाइन किया गया है एंड दिस इज ए सीक्वेंस. xn इज ए सीक्वेंस, तो आप क्या लिखेंगे, दिस xn इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1/n. तो इसके जो एलिमेंट्स क्या होंगे, आपको मालूम है n कहां पे लाई करेगा, n विल बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर. तो ये है मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर. तो n की वैल्यूज आप पुट करते जाइएगा, n will belongs to a natural number n. अब n की वैल्यू क्या होंगी आपकी, n की जो वैल्यूज होंगी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएंगे. तो सीक्वेंस की जो वैल्यूज मिलेंगी 1, 1/2, 1/3, ऐसे करते हुए आपको ये नंबर्स मिलते हैं. तो ये कहलाता है सीक्वेंस इन ए रियल नंबर, सीक्वेंस इन ए रियल लाइन. रियल लाइन पे आपने ये सीक्वेंस इस तरह से पढ़ा था. अब मैं बात करता हूं सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस. अगर मीट्रिक स्पेस में बात करते हैं, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सीक्वेंस इन दिस मीट्रिक स्पेस XT, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, दिस इज ए मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू सम रियल नंबर. की बजाय यहां पर आप लिखेंगे मैपिंग फ्रॉम दिस नेचुरल नंबर टू सम सब स्पेस एक्स. और एक्स क्या है आपका, एक्स बेसिकली आपका मीट्रिक स्पेस है. दिस इज ए मीट्रिक स्पेस, इसको आप मीट्रिक स्पेस बोलते हैं. तो इसमें भी आप देखिए नेचुरल नंबर से लेकर के, अब हम कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एक्स डिफाइंड ऑन डी. और यहां पर आप बात कर रहे थे केवल और केवल रियल लाइन की बात कर रहे थे, दैट इज माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, दिस इज ए रियल लाइन. ये आप केवल यहां पर रियल लाइन की बात कर रहे थे और यहां पर आप कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की बात करते हैं. और ये मीट्रिक स्पेस एक्स किस पे डिफाइन किया गया, डी पे डिफाइन किया गया. तो इसका भी डिनोट करने का तरीका सेम यही रहेगा, या तो आप इस तरह से डिनोट करिएगा ए एन एक्स एन और सम का इस तरह से लिखते हैं डिनोटेड वाई, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स एन और एक्स एन और एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन. ये नोटेशंस होते हैं आपको डिनोट करने के
किसी भी सिक्वेंस को मीट्रिक स्पेस में, ठीक है, और जनरल भी आप इसी तरह से यूज करते हैं। तो ये क्लियर हुआ आई थिंक कि सिक्वेंस का क्या डिफरेंस है, रियल लाइन में क्या डिफरेंस है और मीट्रिक स्पेस में। केवल यही डिफरेंस है, रियल लाइन में मैपिंग नेचुरल नंबर से रियल लाइन पे जाती है, और जब हम मीट्रिक स्पेस की बात करते हैं तो मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू सम मीट्रिक स्पेस एक्सटी होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक्सटी भी ए मीट्रिक स्पेस, एक्सटी को आपका मीट्रिक स्पेस है, ए सिक्वेंस एक्स बिलोंगिंग्स टू मीट्रिक स्पेस एक्स, ये लिख दिया है, इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर इन टू एक्स। सिंपल से हमने आपको जैसे अभी एक्सप्लेन किया था, ये क्या है, ये मैपिंग है बेसिकली, दिस इज नथिंग बट ए एक्स इज ए सिक्वेंस दैट इज ए मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू सम मीट्रिक स्पेस एक्स। ये आपका डेफिनेशन हो गया। नाउ आई टेक सम एग्जाम्पल, सपोज यू हैव दिस सिक्वेंस, लेट दिस सिक्वेंस, इस तरह से कोई भी एक आपका सिक्वेंस है, तो ये क्या होगा आपका, दिस इज ए सिक्वेंस ऑफ, किस तरह से डिफाइंड किया, एक्स इज ए सिक्वेंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू सम मीट्रिक स्पेस एक्स, और ये मीट्रिक स्पेस ये क्या है, लेट दिस सिक्वेंस, ये कोई सिक्वेंस है और ये किस पे डिफाइन किया गया, मीट्रिक स्पेस एक्स पे डिफाइन किया गया। तो एक्स इज ए मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एक्स एंड बिच इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। ये एक्स किसका सबसेट है, रियल नंबर आर का सबसेट है। तो इसके अगर हम टर्म की बात करें, इसके एनर टर्म की बात करें, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म इस सिक्वेंस का होगा वन, सेकेंड टर्म है टू रेस टू पावर टू, देन थ्री रेस टू पावर टू, देन फोर रेस टू पावर टू, तो ऐसे करते हुए आप वन रेस टू पावर टू लिख दीजिएगा। तो इसका एनर टर्म की बात जो करेंगे, तो एनर टर्म जो होगा आपका एक्स एन, वो क्या होगा, एन रेस टू पावर टू। तो यानी जो आपका सिक्वेंस डिफाइंड होगा, वो सिक्वेंस इस तरह से डिफाइंड होगा आपका, एक्स रेस टू पावर टू इन ए रियल लाइन। अब ये रियल लाइन पे आप देख रहे हैं, इस सिक्वेंस की सारी वैल्यूज कैसी आ रही हैं, रियल वैल्यूज आ रही हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ए रियल सिक्वेंस। इसको आप क्या बोलते हैं, रियल सिक्वेंस कहते हैं, दिस इज नोन एज ए रियल सिक्वेंस। हम मीट्रिक स्पेस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें एग्जाम्पल्स जो हैं हम रियल लाइन पे ही डिफाइन कर पाते हैं प्रॉपरली, ठीक है। नाउ आई टेक वन मोर एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल में क्या है, लेट द सिक्वेंस एक्शन, एक्शन कोई सिक्वेंस है, इसको डिफाइंड इस तरह से किया गया है, एक्स वन की वैल्यू वन है और एक्स एन प्लस वन की वैल्यू आपका टू एक्स एन है, टू एक्स एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन वन। अब आपको ये बताना है ये सिक्वेंस किस तरह का है, टाइप ऑफ द सिक्वेंस, ये किस तरह का है, रियल सिक्वेंस है, कॉम्प्लेक्स सिक्वेंस है, या किस तरह का सिक्वेंस है। तो इस केस में आप देख लीजिएगा, आपको मालूम है एनर टर्म अगर हम निकालते हैं, इस एक्स वन की वैल्यू कितना है, वन है, एक्स टू कितना हो जाएगा, एक्स टू इसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन करेंगे, एन की जगह आप टू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स टू की वैल्यू मिलेगी आपको टू इंटू एक्स वन, सो दिस इज टू इंटू एक्स वन इज वन, सो दिस इक्वल्स टू सिंपली टू। इसी तरह अगर हम एक्स थ्री की बात करेंगे, एन की जगह यहां पर टू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एन की जगह टू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको एक्स थ्री मिल जाएगा, तो ये होगा टू इंटू एक्स टू, तो ये हो जाएगा टू इंटू एक्स टू की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं टू, सो दिस इज टू रेस टू पावर टू। इसी तरह आप और चलते जाइएगा, तो आपको फाइनली अगर हम एक्स एन टर्म की बात करेंगे, एक्स एन टर्म की बात करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, टू इंटू एक्स एन माइनस वन, एक टर्म माइनस होगा, तो ये हो जाएगा टू इंटू टू रेस टू पावर एन माइनस टू। देखिए यहां पर देखिएगा, ये वन है, एक्स वन है, तो ये वन आ रहा है, एक्स टू की हम बात कर रहे हैं तो टू रेस टू पावर वन है। अगर हम एक्स थ्री और ले लीजिएगा यहां पर, सपोज एक्स फोर, एन की जगह आप थ्री रखेंगे, तो एक्स फोर कितना मिलेगा, टू इंटू एक्स थ्री, और एक्स थ्री कितना हो जाएगा, एक्स थ्री है टू रेस टू पावर टू, तो फाइनली यू आर गेटिंग टू रेस टू पावर थ्री। तो इसी तरह अगर हम एक्स एन टर्म की बात करेंगे, तो टू इंटू ये फोर है तो यहां पर थ्री है, ये एन है तो यहां पर क्या होगा, एन माइनस वन होगा, इक्वल टू टू इंटू टू रेस टू पावर कितना होगा,
यहां पर देखिए 3 था तो इसकी पावर 2 था, जब यहां n माइनस 1 है तो इसकी पावर कितना होगा, 2 रेस टू पावर n माइनस 2 हो जाएगा। सो फाइनली दिस विल बी एक्स एन विल बी 2 रेस टू पावर n माइनस 1। तो एक्स एन इक्वल टू 2 रेस टू पावर n। तो आपको जो सिक्वेंस मिला है वो एक्स एन सिक्वेंस जो है वो इस तरह से डिफाइन है, 2 रेस टू पावर n माइनस 1। और n कहां पे बिलोंग करता है, n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो ये भी आपका कैसा सिक्वेंस है, दिस इज ऑल्सो ए रियल सिक्वेंस, ये भी आपका रियल सिक्वेंस है। और इसको डिफाइन किस तरह से किया गया था, फर्स्ट टर्म दे दिया गया था और देन इसके रिकर्सिव वैल्यूज दिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग आपने फाइनली इस सिक्वेंस को डिफाइन किया है। सो नाउ आई टेक वन मोर एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में बात करते हैं, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू दिस नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक्स में बिलोंग करता है। देन सिक्वेंस ए एन को इस तरह से डिफाइन किया गया कि एक्शन की वैल्यू क्या है आपका, एक्शन इक्वल्स टू ए, ये फिक्स है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग्स टू एन, यानी कि एन नेचुरल नंबर आप कोई भी वैल्यू लीजिएगा। सिक्वेंस आपने डिफाइन किया, एक्शन इज डिफाइंड एज ए, तो एक्स वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैपिंग होता है सिक्वेंस नेचुरल नंबर टू सम सेट एक्स। अब देखिए एन एन नेचुरल नंबर की वैल्यूज क्या आएंगी, वन आएगा तो आपको x1 कितना मिलेगा a, x2 कितना मिलेगा a, x3 कितना मिलेगा a। तो यानी कि हम सिक्वेंस को इस तरह से डिफाइन करेंगे x1 x2 x3, तो ये सारे टर्म आपको क्या मिलेंगे a a a। तो ये क्या हो गया, दिस इज ए कॉन्स्टेंट सिक्वेंस, ऐसे सिक्वेंस को आप क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट सिक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ए सिक्वेंस एंड हाउ यू कैन डिनोट दिस सिक्वेंस दैट आई हैव discuss. So now you have to find out the limit of the sequence. किसी भी sequence की अगर आपको limit find out करनी है तो वो कैसे find out करेंगे, उसके लिए आप पहले हम definition से start करते हैं। Let x and b any sequence in x. An element x belongings to x is said to be a limit of x n. यानी कोई भी element x जो है जो x में belong कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं, x को हम बोलते हैं x इज ए लिमिट ऑफ एक्स एन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो यू कैन फाइंड द एन नॉट जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। किस तरह से कि ये मीट्रिक है d, d इज ए मीट्रिक एक्स एन एंड n इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। यानी कि आप जो भी मीट्रिक, अब डिस्टेंस मीट्रिक अगर लेते हैं तो इनके भी इसका मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस मीट्रिक अगर आप डिफाइन करते हैं तो डिस्टेंस मीट्रिक क्या होगा, डी ऑफ, आपको मालूम है डिस्टेंस मीट्रिक डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो इस तरह से आप डिफाइन करते हैं मॉड ऑफ एक्स वाई। तो इस केस में ये डिस्टेंस मीट्रिक्स क्या अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, अगर आप इस तरह से इसको डिफाइन कर पाते हैं। तो ये देख रहे हैं ये डेफिनेशन जो है ये रियल लाइन की बिल्कुल डेफिनेशन है अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा यहां पर बेसिकली एक्स एन और ये हो जाएगा वाई की जगह एक्स। तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, एक्स एन कहां पे कन्वर्स कर रहा है, एक्स पे कन्वर्स कर रहा है, यानी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एक्स एन इक्वल्स टू एक्स, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या है आपका एक्स है, इस सिक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या है आपकी एक्स है। अच्छा लिमिट जब ही निकलेगा जब ये कन्वर्स करेगा, तो कन्वर्स करेगा तो इसलिए हम इसको दोबारा से एक फर्दर डेफिनेशन देते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ सिक्वेंस और लिमिट, इसको दोबारा से आप यहां समझने की कोशिश करते हैं। लेट अ सिक्वेंस एक्सएन इज ए सिक्वेंस एक्सएन इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स सच दैट दिस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव डी ऑफ एक्सएन एक्स इक्वल टू जीरो, देन एक्स को आप क्या बोलते हैं, एक्स इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एक्स। अभी जैसे मैंने आपको समझाया था, यानी कि आप एक लिमिटिंग वैल्यूज निकाल दीजिएगा इस मीट्रिक का, इस मीट्रिक का लिमिटिंग वैल्यू निकालने का मतलब यही है कि लिमिट एन
टेंड्स टू इन्फिनेटिव एक्स एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसको सिंपली इस तरह से भी डिनोट करते हैं। तो अगर ये लिमिट आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं, एन को इन्फिनिटिव की तरफ ले जाइएगा और ये मीट्रिक स्पेस है आपका, डी पे डिफाइंड है, एक्स कोई मीट्रिक स्पेस है जो डी पे डिफाइंड है, उसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो आ रही है, या इस तरह से आप इसको डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। ये सिक्वेंस कैसा है, कन्वर्जेंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस सिक्वेंस इज डाइवर्जेंट। इफ द सिक्वेंस एक्स एन डज नॉट हैव ए लिमिट, अगर लिमिट नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस सिक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट। ऐसे सिक्वेंस को आप डाइवर्जेंट सिक्वेंस कहते हैं। सो लेट्स टेक ए एग्जाम्पल, एक्स इज ए मीट्रिक स्पेस डिफाइंड ऑन रियल लाइन आर, और डी इज ए मीट्रिक्स जिसको आप बोलते हैं यूजुअल मीट्रिक एज यूजुअल, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग्स टू आर। इफ एनी सिक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट टू एक्स, तो इसकी लिमिट क्या होगी। अब आपको मालूम है कि अगर एक्स एन एक्स को कन्वर्स कर रहा है, इफ एक्स एन एक्स को कन्वर्स कर रहा है, तो उस केस में जो मीट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स एन एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स एन, किस तरह से डिफाइन किया गया, मॉड ऑफ एक्स एन बाई, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, मॉड ऑफ दिस इक्वल टू जीरो। और इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव एक्स एन इक्वल टू एक्स। तो इसका लिमिट जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स को कन्वर्स कर रहा है तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है, इसकी लिमिट जो है वो क्या है आपकी, एक्स है। लिमिट ऑफ दिस सिक्वेंस इज एक्स। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेक सम मोर एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द कन्वर्जेंट ऑफ द सिक्वेंस एंड लिमिट ऑफ द सिक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस।